हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो आज है 17 तारीख और आज की शुरुआत मैं कर रहा हूँ गार्डन ऑफ वे से। और यहाँ आने के लिए सब बहुत सिंपल है, मेट्रो का तो बहुत सॉर्टेड है। आपको वेव फ्रंट मेट्रो स्टेशन में आना है, वहाँ पूरे साइंस लगे हुए गार्डन ऑफ वे आने के। और वहाँ मेट्रो स्टेशन से बाहर आते ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। और बेस्ट पार्ट क्या है ना, यहाँ के लोग बड़े हेल्पफुल है। आप सिक्योरिटी गार्ड वगैरह से पूछोगे कि कौन सा गेट बेस्ट रहेगा एग्जिट करने के लिए तो बता देते हैं। तो यहाँ से आने के लिए बी वाला गेट सही था। ठीक है, समझ गया। सो गाइस, टिकट ले लिया मैंने। तो एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है आप लोग को। अगर आप लोग किसी सिंगापुर के लोकल पर्सन के साथ आ रहे हैं तो वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। और दूसरी बात, क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम को मिला के $53 है। अगर आप सिर्फ क्लाउड फॉरेस्ट का लेते हो तो $45 पड़ता है सिंगापुर डॉलर। तो मैंने सिर्फ क्लाउड फॉरेस्ट का लिया हुआ है, बिकॉज इतना कुछ है नहीं फ्लावर्स वगैरह। आपने वैली ऑफ फ्लावर्स घूमे हुए हम। अच्छा, हमको सिखा दिया है। बाई द वे, वैली ऑफ फ्लावर्स की वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। तो चलते हैं क्लाउड फॉरेस्ट, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का है क्या ऐसा। तो भाई लोग, यहाँ आपको इंडियन गार्डन भी दिख जाएगा। यहाँ मस्त एलिफेंट वगैरह बनाए हुए हैं। हर एक गार्डन है, पहले चाइना गार्डन फिर इंडिया गार्डन। भाई ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है आपको सामने, इसी के अंदर है पूरा क्लाउड फॉरेस्ट। लेट्स गो इनसाइड, थोड़ी एसी की हवा भी खाएंगे और मस्त क्लाउड्स देखते हैं फॉरेस्ट के अंदर। थैंक यू भाई, घुसती है ठंडी हवा एकदम। मजा आ गया। सब वाटरफॉल देख लो भाई। तो यहाँ बेसिकली ये मैनमेड फॉरेस्ट है, बहुत हाइट पे बनाया हुआ है, इसलिए इसको क्लाउड फॉरेस्ट बोलते हैं। भाई यहाँ पे स्पीकर्स लगे हैं और साउंड आ रही है एकदम। जाने का क्या सीन है देखते हैं पहले। यार ये देखो, मस्त चंगू भाई चढ़ गए पेड़ पे, मंगू और चंगू दोनों पेड़ पे। ये देखो कुछ भी एविएटर मूवी तो तुमने देखी होगी तो पता लग रहा होगा सब। धुन भी देखो, धुन भी वाली चल रही है। एक्चुअली ना यहाँ यहाँ स्पीकर्स लगाए भाई जंगलों के आगे पीछे। ये देखो, तो जहाँ जहाँ जाओ ना वहाँ से आवाज़ आ रही है, लग रहा है कोई है वहाँ। इट्स गुड एक्सपीरियंस। तो भाई यहाँ का वेटर देखने हैं, तो देखो चल रहा है भाई तगड़ा। ये देखो भाई, देख रहे हो ये आप पुणे भाई, देख लो हमारी पिछड़ी, देख रहे हो ये हिल्ली है। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है, इसीलिए समझ रहे हो। ये ओ भाई, ये तगड़ा था। तो भाई लोग, इट वॉज सुपर कूल। आप कुछ भी एक्शन करो तो आपका वेटर बन जा रहा था छाया में, आपने देखा होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। हम जा रहे हैं टॉप में, ऊपर ब्रिज है। तो भाई ये वाले जो फ्लावर्स हैं रियल है, ये वाले फेक नहीं है। ये कुछ भाई अलग टाइप का फ्लावर दिख रहा है, तगड़ा। एक एक को मकड़ी भी लगी है बहुत बड़ी। मकड़ा लगा हुआ है बहुत बड़ा। इसके बाद यहाँ से हम क्लाउड वॉक पे चलते हैं। क्लाउड वॉक बिल्कुल जो ब्रिज बना था ना चारों ओर से, वो है। ये देखो भाई, नीचे जहाँ हमने वेटर किया था, क्या बोला तूने? और ये हम आ गए ऊपर वाले फ्लोर पे, एकदम मस्त तगड़ा बनाया भाई। ये सामने सुपर ट्री, इसका अलग से टिकट लेना पड़ता है, जो सामने वाला दिख रहा है ना ये वाला। बस ये प्रॉब्लम है कि ओपन रहता है, धूप में बड़ी गर्मी लगेगी वहाँ पे मुझे लग रहा है। इस वजह से हमने क्लाउड फॉरेस्ट लिया था, बिकॉज यहाँ अंदर फुल एसी चल रहा है। तो जो भी है बढ़िया है, बट ये और भी बढ़िया है। काफ़ी लोग आए हैं यार यहाँ दिन के टाइम में भी ना, मस्त एकदम सही है मतलब यार। सो गाइस, ये वाटरफॉल जो हमने नीचे से देखा था ना कुछ ही, उसके जस्ट पीछे आ गए हम लोग। ऐसे तो मुझे जोगनी वाटरफॉल की याद आ गई हिमाचल वाले।
बुकिंग ऑर्डर पर वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर जाके देख लेना। भाई ये जो स्पीसीज है ना ये सीबू में होता है, तो हम लोग सीबू जाएंगे फिलीपींस में, तो इसको जरूर देखेंगे भाई। सो गाइस मैं परसों सिंगापुर आ गया था और कल से मैंने यहाँ एक्सप्लोर करना शुरू किया था। कल मैंने यहाँ लिटिल इंडिया, चाइना टाउन और मलिन पार्क और कहाँ गया था मैं, हाँ सेंटोसा आइलैंड में सारी चीज़ें कवर करी, रात को लाइट शो भी देखा। उन सारी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलने लगे उड़ के शाबाश बेटा। सो गाइस ये कुछ यहाँ पे वेटर एक्सपीरियंस है। लोग इस तरीके से जैसे आप एक्शन करोगे उस हिसाब से चला था गेम की तरह एकदम मस्त। ये देख लो भाई क्रिस्टल माउंटेन सारे बनाए हुए हैं सारे। भाई देख लो पूरा उसमें बनाया हुआ है, मस्त गैलरी बनाई हुई है, ऐसा लग रहा है अकेले में आ गए होंगे। साउंड इफेक्ट तगड़ा है भाई। तो भाई लोग यहाँ थिएटर भी है, चलो देखते हैं अंदर थिएटर में क्या बना हुआ है। शो चलने वाला है, मस्त टाइम पास भाई, अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ तो तगड़ा। ये बड़ा सही है। दिस इज समथिंग डिफरेंट ब्रो, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। वाला जो था बड़ा जबरदस्त था शो, वेटर एक्सपीरियंस वाला, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपने पहले कहीं देखा है तो मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा है, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है नो डाउट। सो गाइस के एग्जिट के साथ में आपको सुवीर की दुकानें मिल जाएंगी, बहुत सारी सुवीर अवेलेबल हैं। ये सही बहुत सही सही तरीका बनाया हुआ है, एकदम एग्जिट के साथ ही सुवीर दिखा दिए जा रहे हैं ना, वेरी नाइस। जो भी सामान लेना है यू कैन बाय, सबसे ज़्यादा लड़कियों का सामान है वही बिकता है भाई। एविएटर के भी दिए बच्चों के खिलौने। वह लोग चल चल के बहुत थक गया था, अभी खा रहा हूँ मैं पॉपकॉर्न यहाँ पे, तो यहाँ से निकलते हैं दूसरी तरफ। वह जो लोग ना बहुत कम ऑप्शन है यहाँ पे, नॉनवेज के लिए बहुत ऑप्शन है। सो गाइस मैं निकलता हूँ यहाँ से अब बुगस के लिए। बुगस में थोड़ा बहुत खाने वाने के ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं और वहाँ शायद पीयूष लोग भी आने वाले हैं और वेदर काफ़ी अच्छा हो गया सिंगापुर का, क्लाउडी हो गया।